GTU स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो देखो फ्रेंड्स, वी आर नोइंग डेट के ऑल इंडिया रैंक एज वेल एज स्टेट बोर्ड का रैंक जो है वो SABC के वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि उसके बेस पे आपको कैसे एडमिशन जो है वो मिलेगा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, जनरली उसके बाद की प्रोसेस रहती है वो है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, MYSY यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वालंब योजना। ठीक है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो भी मैं इसके बाद बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, उसके बाद की जो भी प्रोसेस रहेगी चॉइस फिलिंग वो सब हमारी वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, SABC के वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हो तो फर्स्टली क्या रहता है कि आपको लॉगिन करना रहता है। ठीक है, तो जो लॉगिन करने का पेज है वो आप लॉगिन कर देने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको जो है वो एंटर करनी रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे देख रहे हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करोगे, उसके बाद का ऑप्शन जो आएगा वो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो थोड़ा इसमें लोडिंग लगेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आर यू कंटिन्यू, तो आपको वापस से यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्रोसीड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं वापस से एक बार क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नॉर्मली मेरा ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, जो दिखाया जा रहा है करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जो है वो कोई चॉइस फिलिंग नहीं की है ऐसा मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो शिफ्ट जनरली आपका मेरिट रैंक आया है। ठीक है, तो जनरली मैं यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो देखो, ये नॉर्मल एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसका जो ऑल इंडिया रैंक एज वेल एज स्टेट फाइनल रैंक वो क्या कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो देखो यहाँ पे रैंक डिटेल्स में मेंशन किया गया है कि इस स्टूडेंट का जो है वो ऑल इंडिया रैंक क्या आया है, तो कि वो है 907833। ठीक है, ये इतना रैंक इसका आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला नंबर है वो है 9। ठीक है, तो इस 9 को आपको इग्नोर करना है और आपको जो उसके बाद के यानी कि 7833 है तो वो है गुजरात में ACPC का फॉर्म फिलअप किया है जिन जिन स्टूडेंट्स ने, ओके, और GEE को सिलेक्ट किया है उन सभी स्टूडेंट का जो वो है वो रैंक मेंशन किया गया। यानी कि अगर मैं ये स्टूडेंट की बात करूँ तो इस स्टूडेंट का रैंक है वो है 7833 है, यानी कि 7833 है। इस JEE के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में इसको 5% सीट जनरली होती है, तो उसके थ्रू आपको जो है वो एडमिशन मिल सकता है। और उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो स्टेट फाइनल रैंक मेंशन किया गया, यानी कि आपका 50% गुजकेट के आधार पे रहेगा और 50% जो स्टेट बोर्ड है उसके परसेंटेज के आधार से बनता है। तो अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूँ तो 5076 है वो है इसका स्टेट फाइनल रैंक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जिस जिस स्टूडेंट ने दोनों ही ऑप्शन को क्लिक किया होगा तो उनको दोनों ही ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे कौन सा रैंक आपका मेंशन किया गया है, तो वो है आपका स्टेट फाइनल रैंक 5076 जो मेंशन किया गया है, तो वो है उसके बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको उसके रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, STPI कैसे आपके कैलकुलेट करने के है, कट ऑफ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज वाइज डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ रहता है, D2D का भी वो जो है वो अलग प्रोसीजर रहती है। तो अगर आप मेरी चैनल में प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो का अंत लेता हूँ। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।